हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 अकाउंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट ऑलरेडी आगे का मैंने एक सम आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देखा था कंपनीज फाइनल अकाउंट के अंदर। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन बहुत ही ईजी वे में और शॉर्ट वे में इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस शीट ऑफ युवा लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017 बनाया हुआ है मैंने फॉर्मेट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट एंड अमाउंट। अब यहाँ पे मुझे किस तरह से मालूम पड़ेगा कि इक्विटी और जो लायबिलिटी वाला है वो कॉलम बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने जब चीज़ें देखी आपको सम के अंदर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, यानी आपको जनरली सब चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, एसेट्स और लायबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। यानी जो भी इक्विटी आती थी ना, जैसे कि शेयर कैपिटल हुआ, रिजर्व हुआ, लायबिलिटी हुई, वो सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सो आपको यहाँ पे किसका कॉलम बनाना है, सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी का बनाना है। चलिए अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेरा जो फॉर्मेट था उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करा करता था, हमेशा शेयर होल्डर फंड आता है, आफ्टर दैट नॉन करंट लायबिलिटी आती है और करंट लायबिलिटी, ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? तो पहले तो आपको क्या करना है, शेयर होल्डर फंड उसके अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं और करंट लायबिलिटी के अंदर आपको अलग अलग चार चीज़ें दिखाई देंगी। तो पहले तो मैंने इसका फॉर्मेट कर दिया है, अब वन बाय वन जो भी चीज़ें आती जाएंगी हम लोग उसको क्या करते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 1,30,000 इक्विटी शेयर और 20,5। तो इक्विटी शेयर कहाँ पर आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में आएंगे, लिखा हुआ है मैंने 6,50,000। चलिए सेकंड वन जनरल रिजर्व, वो कहाँ पे आता है आपका, रिजर्व और सरप्लस में आएगा, जनरल रिजर्व 70,000 मैंने लिखा हुआ है। प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविडेंट फंड आपका कहाँ पर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है और नॉन करंट में भी कौन सी होती है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा तो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कहाँ दे देंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स, कहाँ पर आएंगे क्रेडिटर्स, मेरे करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है मैंने ट्रेड पेबल में मैंने क्रेडिटर्स की अमाउंट 86,000 लिखा हुआ है। देन आफ्टर पब्लिक डिपॉजिट हमारी कौन सी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो वो काय में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा। यानी होता क्या है, इसका मीनिंग बता दूँ आपको, पब्लिक डिपॉजिट यानी हम लोगों ने किसी से क्या करा हुआ है, पैसा बोरो किया हुआ है, जस्ट फॉर एक हम लोगों ने क्रेडिट पर पैसा लिया हुआ है, सो इट इज़ कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। तो काय में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा हुआ मैंने 3,26,000। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी और उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है 13,000। आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है हमारी और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि टैक्स जो आपको पता है ना हर ईयर आपको पे करना होता है, सो आपको कितना अमाउंट दिया हुआ है उसका, 68,000 उसका भी आपको दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्लियर है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर कितनी अमाउंट दी हुई है आपको, 15,000 दिया हुआ है। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो हमारी कहाँ आती है, नॉन करंट में आएगी, सो 15,000 मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज टेम्पररी लोन एंड क्रेडिट बैलेंस, तो टेम्पररी लोन जो हमेशा आएगी वो कहाँ पर आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखा हुआ है मैंने टेम्पररी लोन एंड अमाउंट विल बी 12,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये भी पक्का, तो जितनी भी अमाउंट थी मैंने क्या करी, उसको प्लेस कर दिए। अब आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग, हर एक का टोटल कर लेते हैं। तो मेरा शेयर होल्डर जो फंड है उसका टोटल मेरा कितना आ रहा है, 7,20,000 आ रहा है। मेरी जो करंट नॉन करंट लायबिलिटी उसका टोटल कितना आ रहा है, 7,01,000 आ रहा है, और मेरी करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है, 1,79,000 आ रहा है। सो आफ्टर दैट आई जस्ट मेक अ एडिशन ऑफ ऑल दिस थ्री अमाउंट, 7,20,000, 7,01,000 एंड 1,79,000, सो आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी 16,00,000, सो योर टोटल विल बी 16,00,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट पक्का, तो आई होप दैट आपको ये सम भी बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ होगा। कल का जो नेक्स्ट सम मैं आपको देने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को मिक्स करके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो टिल देन आप ये सम करके रखेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप लोग कमेंट के अंदर आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।